नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। खबरों के अनुसार नागा शांति वार्ता में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि पृथकतावादी संगठन NSCN IM गुट ने भारतीय संविधान में आस्था प्रकट की है। इसके अलावा इस संगठन ने यह भी मान लिया है कि राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना, यानी कई राज्यों के कुछ हिस्से लेकर एक नए राज्य का गठन व्यवहारिक नहीं है। सरकार की तरफ से भी इस मामले में कुछ वायदे किए गए हैं। मसलन, नागा लोगों को उन तीनों ही राज्यों में, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में, जहां वो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इस मसले के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रकाश सिंह जी BSF के पूर्व महानिदेशक हैं, असम के भी DGP रहे हैं। दीपक दीवान जी नॉर्थ ईस्ट सन अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ नागालैंड के सांसद चांग भी हमारे जुड़े हुए हैं। प्रकाश सिंह जी, बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं। एक अखबार में खबर छपी है कि बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, जो पीस टॉक्स चल रही हैं उसमें एक तरह से NSCN ने मान लिया है कि वो उनकी आस्था है भारत के संविधान में, उन्होंने लिखित में ये दिया है। और इसके साथ ही एक जो बड़ी मांग थी कि एक जो नागा आबादी का क्षेत्र है वहाँ एक राज्य का गठन किया जाए, उससे उसको भी उन्होंने मान लिया कि अभी फिर से बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना शायद संभव नहीं है। बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जी हाँ, ये है तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि, पर हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। देखिए, हमें नागालैंड के पूर्व इतिहास को भी देखना पड़ेगा। 1975 में जब शिलोंग का समझौता हुआ था, उस समय भी जिस गुट से शांति वार्ता हुई थी, उन्होंने लिख कर दिया था कि हम भारतीय संविधान में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। बावजूद उसके एक एक्सट्रीमिस्ट विंग जो था वो फिर उस समझौते से मुकर गया, और फिर बाद में NSCN IM के का गठन हुआ। बाद में उसके खैर और फैक्शन, खापलांग फैक्शन, अकिटोवी फैक्शन अलग होते रहे और लड़ाई का दौर जारी रहा, क्योंकि 1975 में जो समझौता हुआ था उस समय ये कहा गया था कि हम संविधान को मानते हैं और हम जितने हथियार हैं उसको सब जमा कर देंगे, जो उन्होंने नहीं किया जी। तो अच्छा, और अगर और पहले इतिहास में जाना चाहें आप, तो नागा पीपल्स कन्वेंशन हुए थे late 50s में। उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। उन नागा पीपल्स कन्वेंशन की मांगों को पूरा करने के लिए तो ये समझा गया था कि अब तो राज्य हमने दे दिया, इनको एक 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 अलग पहचान बन गई, एक अलग अस्तित्व हो गया, अब ये संतुष्ट रहेंगे और यहाँ से इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी। 63 में राज्य के सेपरेट स्टेटहुड देने के बाद भी नहीं हुआ। 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी शांति, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट पीस नहीं हुई। तो अब अगर वह कहते हैं कि संविधान में हमारी आस्था है, तो बड़ी अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु जो भी हमने कहा, कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और जो भी समझौता होता है और उसके साथ अगर इनके जो सशस्त्र बल हैं वो हथियारों को सरेंडर नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए कि वह समझौता भी कारगर नहीं होगा, और कालांतर में कोई ना कोई गुट ऐसा पैदा हो जाएगा जो कहेगा कि नहीं, हमें तो ये भी स्वीकार नहीं, हमें कुछ और चाहिए। जी, दीपक दीवान, इंडियन एक्सप्रेस की खबर छपी है कि मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है और शांति वार्ता कामयाब हो रही है। हालांकि प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उसी खबर के हवाले में यह भी कहा गया है कि सरकार और भी दूसरे जो गुट हैं उसको और ब्रॉड बेस करने की कोशिश कर रही है, सरकार और भी गुटों से बात कर रही है, लेकिन कुल मिला के स्वागत योग्य बात है। श्याम जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, ये जो खबर छपी है कि उन्होंने भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कर लिया है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा, आपको और आपके दर्शकों को, कि NSCN ने पिछले साल जुलाई में जी, मुझे तारीख याद नहीं है, July 18 को भारत सरकार को एक 28 या 32 पॉइंट का अपना प्रपोजल दिया था जी, रिटर्न में जी। उसका अभी तक कोई लिखित जवाब उनको नहीं मिला है। तो ये कहना कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये कर लिया, ये तो कुछ प्लांटेड स्टोरी लग रही है, जो इस गुट के नेताओं के खिलाफ कोई साजिश सी लग रही है जी। इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं लग रही। मैंने आज भी आपके स्टूडियो में आने से पहले जो NSCN के कुछ लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि टिल टुडे
आज तक उनको लिखित में कुछ तो, नहीं तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश सिंह जी भी कह रहे हैं कि इस मामले में बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, तो आप मानते हैं कि अभी भी बेशक पीस प्रोसेस चल रहा है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं, कोई बड़ा बड़ी बड़ा ब्रेक थ्रू आप नहीं मान रहे हैं अभी भी? 15 साल से नेगोशिएशन चल रही है। कुछ एक चीज संविधान का जो आपने जिक्र किया उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वार्ता शुरू हुई थी शांति वार्ता NSCN के साथ, ये 3 कंडीशन पे शुरू हुई थी। मतलब कंडीशन की ये थी कि ये भारतीय संविधान कंडीशन नहीं होगा जी। दूसरा ये था कि नागास भी जो सॉवरेंटी या इंडिपेंडेंस मांगते हैं वो भी कंडीशन नहीं होगी जी। और तीसरा था कि ये वार्ता विदेश में होगी जी। तो 15 साल में कम से कम 2 गुट एक साथ नजदीक हो गए। अब वार्ता दिल्ली में हो रही है, ये लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आज की डेट में भी आइजैक्सू और मुइवा दिल्ली में ठहरे हुए हैं। मगर अगर नागास ने NSCN ने अगर ये संविधान को जो आज की डेट में ऐसे ही एक्सेप्ट किया करना होता तो NSCN का जन्म ही नहीं होता। 1975 में जब शिलोंग एकॉर्ड हुआ था तो जो लोग सहमत नहीं थे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसमें चेंजेस होने चाहिए जी। मिस्टर चांग, ए मेजर ब्रेक थ्रू हैज बीन क्लेम्ड इन नागा पीस टॉक्स, दो दीपक दीवान इज क्वेश्चनिंग दैट रिपोर्ट, बट हाउ यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नागा पीपल, द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर दिस डिमांड? से लाइक द नागा इश्यू, व्हाट द you know, yesterday, like in the Indian Express, it has come out in the press release stating that the underground people have accepted the solution under Indian constitutions. Now, we have met the Naga leaders who are talking with the government of India that it has come in the paper stating that the underground people have accepted to solve the problem under the constitution of India. So what is that press releases? Now, Mr. Moiba, he has said that their agreement was whatever discussion they had, and then once the solution is decided, then that should be incorporated in the constitution of India, so that in future there should not be any problems. That was what he replied to us yesterday. There are many complex things involved in this whole issue, because if we believe that this report is true, then the central government has to convince Manipur, Assam and Arunachal Pradesh governments. So do you think that if this report is true, then central government, the political scenario in that area is conducive enough to implement this kind of solution? The question you see is that it depends on the paper release which came out in the Indian Express yesterday. Can you hear me? You proceed. Can you hear me? I can hear you, sir. Yes. Yes? You continue, sir. We can hear you loud and clear, sir. Okay. After seeing the paper release in the Indian Express, our Nagaland leaders, led by the Honorable Speaker Mr. Kianile, we meet the Naga leaders in Delhi, and we question that, is it that the underground people have accepted the constitution of India for solution to Naga problems? That's what we put the questions. And the reply given to us is that our leader, Mr. Moiba, has given the reply that when they discuss with the government of India, their discussion is that whatever decision is made and whatever they are going to decide
टू सॉल्व द नागा प्रॉब्लम्स दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दैट व्हाटएवर डिस्कशन टेक प्लेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड एंड देन इट विल बी पनिश्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द decisions whatever they made. That was what he replied to us. Now, when we meet the Home Minister said that on these Naga issues, Naga problem solutions, they have already taken up with the Chief Minister of Assam, Arunachal, and then Manipur. And then they are awaiting the reply from the Chief Ministers. That's what he said. Okay, you be with us. I'll come back to you, Prakash Singh ji. जो दीपक जी भी कह रहे हैं, अगर ये बात वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद अभी ये जल्दबाजी हो गई है कहना कि उन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, एज इट इज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस बात को छोड़ भी दें, उसके अलावा जो रिपोर्ट में छपा है, जो कहा जा रहा है कि जो आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे ये अल्पसंख्यक होंगे, नागा जो हैं वो कम तादाद में हैं, उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा, वैसे में जो पेचीदगियां हैं, तीन स्टेट इन्वॉल्व्ड हैं, कितना आसान या मुश्किल आपको लगता है ये प्रपोजल? देखिए, विशेष अधिकार वाली बात मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में अब जैसे कल को बिहार के लोग ये कहें कि साहब हम महाराष्ट्र में हैं, वहाँ हमें विशेष अधिकार दीजिए क्योंकि शिवसेना हमें प्रताड़ित करती रहती है, कल को उधर कर्नाटक और बगल के प्रदेश में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा होता रहता है तमिलनाडु, कल को कर्नाटक के लोग कहें कि साहब कन्नाडिगा को तमिलनाडु में विशेष अधिकार होने चाहिए, इस तरह तो फिर हम तो एक पैंडोरस बॉक्स खोल देंगे। हम बहुत से प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो मतलब हिंदुस्तान तो एकदम मिलीजुली संस्कृति है, मिलीजुली आबादी है, एक प्रदेश के लोग 10 प्रदेशों में बैठे हुए हैं, अगर एक प्रदेश को हमने इस तरह की सुविधा दी तो इस तरह की मांग हमारी और प्रदेशों से उठ सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम तो फिर एक लेकिन ये भी बात है कि नागा इंसर्जेंसी शायद सबसे पुरानी इंसर्जेंसी है, उस लिहाज से अगर देखें, अगर शांति स्थापित करने के लिए और तौर पर अगर किसी स्टेट में कोई समुदाय बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, अल्पसंख्यक है, तो शायद उस तरह के प्रावधान संविधान में भी हैं, और ये कोशिश आमतौर पर कहा जाता है कि लोकतंत्र में इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए कि अल्पसंख्यकों को शांति बनाए रखने के लिए हम कोई ऐसा कदम न उठाएं जो फेडरल सिस्टम में चोट पहुंचाए और जिससे अंततोगत्वा दूसरी समस्याओं का भंडार खुल जाए, ये बड़ी महंगी शांति पड़ेगी। जी दीपक जी, ये जो नागा जो एरियाज की बात कर रहे हैं, ये 16 पॉइंट एग्रीमेंट जो 1960 में साइन हुआ था उसकी क्लॉज में भी भारत सरकार ने माना है कि ये जो डिमांड है नागाज की कंटिगुअस एरियाज जो हैं, मतलब जो जुड़े हुए नागालैंड के साथ जो जुड़े एरिया हैं, मणिपुर के, असम के, उस पर विचार किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया था 1960 में भी, तो वही चलती आ रही है। और मणिपुर में तो इस टाइम जो नागाज हैं अंडर UNC वो तो डिमांड कर रहे हैं कि अल्टरनेट अरेंजमेंट उनके लिए किया जाए मणिपुर गवर्नमेंट के अंदर ही जी। तो ये तो प्रतिक्रिया चल ही रही है। तो आप इस पक्ष में हैं कि अगर इस तरह का कोई समझौता हो सकता है और जो तीन स्टेट है जहां पे ये अल्पसंख्यक होंगे, अगर वहां कोई विशेष अधिकार दिया जाए तो इसमें कुछ अगर शांति मिल सकती है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल इतना पर्याप्त नहीं है, जो इन राज्यों को हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये NDA सरकार एक बार गलती कर चुकी है जब उन्होंने सीज फायर को ये कहा था कि कंटिगुअस नागा इनहैबिटेड एरियाज में होंगे, आपका इम्फाल में आग लग गई थी, सेक्रेटेरिएट जला दिया गया था, 18 आदमी गोली पुलिस की गोली से मरे थे। कोई ऐसा काम मत करिए कि जिसमें यहाँ तो शांति हो और बगल के प्रदेश में आग लग जाए, जैसी शांति बड़ी शॉर्ट साइटेड होगी। जी प्रकाश सिंह जी, आपने जो मुद्दे उठाए इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नागा शांति वार्ता में कामयाबी के कितने चांस हैं।
Mr. Chang, I'll like to come to you. At this time, in all three states, there is Congress government, and it will be easy for central government to convince these state governments. Do you think that this is the best time for Naga leaders to strike a best deal with central government? Yes. Yes, you are right. You know, like as you mentioned, the three states, Assam, Manipur and Arunachal, is ruled by the Congress government, Congress party, I mean, ruled states. I think they should also realize the Nagas residing in their respective state jurisdictions should also live in peace. And they should see that our Honorable Prime Minister and then UP Chairperson Sonia Gandhi's visit to, you know, Manipur, they have clearly mentioned that the boundary, whatever, you know, is occupied by the Nagas in the state, territory changes will be made, which means the Nagas staying in different three states, they should be given recognition, but then that land remains within the respective states like Manipur, Assam, and Arunachal. That's what, it is already mentioned in their speeches in two so many states. So now the three states, they should also realize that, yes, Naga people are staying in our state, and then they should also live in peace. I think that way they should also understand the problems of human life. And this is the time that the Togi party, the underground factions, they should also take the advantage of the state role by the Congress. And then that way, I think the underground leaders who are having the talk with the Government of India should avail this opportunity. That's what I personally feel. प्रकाश सिंह जी, जो सवाल मैंने मिस्टर चांग से पूछा, आप कह रहे थे कि बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, पिछली गलतियों से सीखना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मैं कह रहा था कि मणिपुर में, आसाम में और अरुणाचल प्रदेश, जहां जिन तीनों इलाकों में नागा अल्पसंख्यक में हैं और जहां केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव है कि उनको विशेष अधिकार दिया जाए, अभी के जो राजनीतिक हालात हैं उस लिहाज से देखें, कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा आसान होगा उनको कन्विंस करना, एक समझौते पर पहुँचना, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर ये बेहतर समय है? देखिए, ये बातें सही हैं, पर हमें किसी भी कदम उठाने के लिए उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये जरूर सोच लेना चाहिए। आज कांग्रेस सरकार है, आज वो कांग्रेस सरकार को हम थोड़ा सा दबा के, थोड़ा सा धमका के, थोड़ा समझा के हम उसको राजी कर लें, कल को इसी बात पे उनकी सरकार गिर जाए, जनता इसके खिलाफ आवाज उठाए, दूसरी सरकार आ जाए, कहेगी नहीं, हम ये समझौता नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? तो हम जरा जनता की नब्ज समझना जरूरी है कि जो सरकार है वो जिस बात के लिए राजी हो, पहली बात, आप स्वेच्छा से राजी हो रही है या पॉलिटिकल प्रेशर से राजी हो रही है? स्वेच्छा से राजी हो रही है तो क्या जनता उसके साथ है या नहीं है, इसको भी समझ लेने की जरूरत है। कोई समझौता जल्दी में करके और उसके बाद फिर उसके बाद सिर पीटना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन दीपक दीवान जी, ये भी बात सही है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं होती है, लेकिन ये भी होता है कि अवसर आपके पास आते हैं, उनको उस वक्त पर काम भी करना चाहिए। आप अपॉर्चुनिटीज को अगर खो दें तो वो पता नहीं अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल वही है, देखिए 15 साल के सीज फायर के बाद जब नागा लीडर्स आपके घर में आके बैठे हुए हैं, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, दिल्ली के लिए, भारत सरकार के लिए, कि और एक ये टाइम ऐसा भी है कि हमको टाइम आ गया कि शायद नागास पे भी विश्वास करना चाहिए। जी, नागास शुड बी ट्रस्टेड नाउ। जी नहीं, लेकिन जो प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि इसको और आज कांग्रेस की सरकारें हैं, उनकी भी एक आशंका मेरे ख्याल से जायज है कि आज हो सकता है कि केंद्र सरकार की बात किसी दबाव में या समझाने में किसी तरह से राज्य सरकारें मान लें, लेकिन आने वाले वक्त में फिर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उसको लॉन्ग टर्म उसमें देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ की जनता, जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में तो लेना ही पड़ेगा।
चाहे वो नागालैंड हो या असम हो या मणिपुर हो या अरुणाचल प्रदेश हो। मिस्टर चांग, आवर गेस्ट हियर इन स्टूडियो, दे से दैट इट मे अपीयर दैट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इज वेरी कंड्यूसिव फॉर ए सॉल्यूशन इन असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग नागालैंड, बट इट शुड बी ब्रॉड बेस्ड। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स शुड बी टेकन इन द कॉन्फिडेंस, अदरवाइज इन लॉन्ग रन इट मे नॉट बी fruitful. Well, you know, especially in three states, Manipur, Assam and Arunachal, I think the government should understand that the people who are the Nagas residing in three states should also be, you know, allowed to have peace, you know, peaceful, I mean, a situation should be prevail in those areas. But then they, you know, if they don't keep regulation to the Nagas in those, I mean, respective states, then, you know, decision will not be, correct. So we should try to find out how to live in peace, because in India, you know, like unity in diversity. So people should understand that, okay, they are living with us, and then the territory, whatever they are occupying, is within our own state. Mr. Chang, sorry to interrupt, but what is the way out? How to convince people that, peace must prevail, yes, and there should be coexistence of all communities? What is the way out in your... You know, hello. Yeah, please. I'm coming to that. Yes. See, they should give recognition to the existence of the Nagas in their respective states. If they don't give recognition, then there is a problem comes. So how to come out means to have a peaceful, situation in those states. They should give recognition to our people who are residing within their states. And with that kind of understanding, since they are not going to take away the land, and they continue, to live with the, same state, what is the harm? I think that way the solution will be made. That is what I personally feel. Yes. प्रकाश सिंह जी, कहीं ना कहीं मिस्टर चांग जो बात करें, ये बात सही है कि पेचीदगियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि शांति की तलाश में, दीपक जी बार बार कह रहे हैं, पिछले 15 साल से ये बातचीत चल रही है, एक बड़ा मुद्दा रहा है नागा इंसर्जेंसी उस इलाके में, तो ऐसे में अगर एक न्यूनतम समझौते पे पहुंचा जा सकता है, तो वैसे में उस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, शांति को एक मौका मिलना चाहिए, और इस तरह का अगर कोई समझौता होता है तो उसको लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए, जितना बेहतर हो सके, जितना शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई अवसर आ रहा है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन कहा जाता है, और उस टाइड का लाभ उठाना चाहिए, तो पुरानी बात है, उसमें मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पर ये आखिर चाहते क्या हैं? चांग साहब की बात को थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही थी, मैं ज़्यादा नहीं समझ, पर जहाँ तक मैं समझ पाया, वो चाहते हैं कि नागा जो बगल के प्रदेशों में हैं, उनके मन में ये भावना होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हम शांति से यहाँ रह सकते हैं, हम यहाँ अन्य नागरिकों की तरह सुरक्षित हैं, और हमारे लिए प्रगति के सारे रास्ते खुले हैं, यही उनकी बात है। तो ये तो देखिए, अगर राज्यों का प्रशासन अच्छा हो, राज्यों का प्रशासन अच्छा हो, असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हर ऐसे के समय कम है, हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये तो एक आदर्श स्थिति में होना ही चाहिए कि कोई भी नागरिक सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो ये सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि आप सुरक्षित हैं, आपको बराबर के अवसर मिलेंगे, आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे। उसमें आप जरूर एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, पर संवैधानिक ढांचे में कोई ऐसा ही चोट मत करिए या ऐसा परिवर्तन मत करिए जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स के लिए एक नया रास्ता दिखे और वो भी अपने लिए मांग करने लगे। दीपक दिवाजी, देखिए, जो जरूरत है वहां पे, स्पेशली मणिपुर में, पॉलिटिकल विल चाहिए लीडरशिप को।
अब आपको याद होगा मिस्टर मुइवा को जब होम मिनिस्ट्री ने बोला कि आप अपने गांव जा सकते हैं तो ही वॉज प्रिवेंटेड एट माओ गेट फ्रॉम एंटरिंग मणिपुर। चीफ मिनिस्टर ने बोला कि हमारे आप आएंगे तो दंगा होगा। अगर उन्होंने कहा कि अच्छा आप घर वापस आ रहे हैं आइए, तो मेरे ख्याल से वो जो दंगा फसाद हुआ वो भी नहीं होता। दूसरी बात यह है, अब नागास को छोड़िए, मणिपुर में एक और ग्रुप है KNO जिससे 7 साल पहले सीज फायर हुआ था, ट्राइपार्टाइट बातचीत चल रही है, मणिपुर गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ इट। इस बारी मणिपुर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इनके साथ हम 3 महीने के बाद सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे। जी, वो KNO के नीचे 16 KNO, तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जी, दीपक दीवान जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, और चांग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिला के हमारे मेहमान ये मानते हैं कि जहां तक नागा शांति वार्ता का सवाल है उसमें अभी भी कई तरह की पेचीदगियां हैं। समझौते का स्वागत है, शांति का स्वागत है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ साथ जैसे कि दीपक दीवान जी कह रहे थे कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना किसी समझौते को लागू करना अगर पहुंच भी जाए बहुत मुश्किल होगा। इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।